तो बहुत ही अच्छी जीत है, इससे पूरा प्रदेश खुश है और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं किया अभी तक, हमारा राशन कार्ड था वो भी कटवा दिया। अगर मैं मेरे वोट की बात करूँ तो मैं बीजेपी को भी दूंगा। अनभगत के कारण ये जो बीजेपी आगे आ रही है ये अनभगत है और कुछ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर दी, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा में बिल्कुल बहुमत से सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आना भी चाहिए। यह सीएम कोई भी बने पर सरकार बीजेपी की होगी, 101% कांग्रेस ही आएगी हरियाणा में, इसका कोई बदलाव नहीं हो सकता। राजस्थान में रोक लेते वो और मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस ले जाती या छत्तीसगढ़ में बढ़ा लेती तो उसका कोई जगह थी, अब कोई चांस नहीं है बीजेपी की। जीत का असर तो होगा, जीत का तो पड़ता ही है, उसका असर अब आने वाला है। पहले थोड़ा डाउटफुल था लेकिन मे बी बीजेपी ही आए। तो हमें ये लग रहा है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बीजेपी की दोबारा आएगी। मेरा जोगीराम नाम है। जोगीराम जी, कल आपने देखा ही होगा कि 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल। बिल्कुल ठीक है, तो उसी को लेकर हरियाणा में आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या हवा रहने वाली है अगले साल? ऐसे अजीत, जो अभी यदि राजस्थान में रोक लेते वो और मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेस ले जाती या छत्तीसगढ़ में बढ़ा लेती तो उसका कोई जगह थी, अब कोई चांस नहीं है बीजेपी के। हरियाणा में कोई चांस नहीं है बीजेपी का, कोई चांस बिल्कुल नहीं, कोई चांस भी आप बोल सकते हैं। ये बोलते हैं कि लोगों का रुझान देश पे काम किया, इस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट मिलता है, उसने काम किया है, उसी को लेके जनादेश मिल रहा है इनको। खट्टर जी के काम को लेकर क्या बोलेंगे? खट्टर साहब का नहीं नहीं, इसमें कोई हम उससे संतुष्ट नहीं जी, कोई भी नागरिक संतुष्ट नहीं है खट्टर साहब के काम से। आपको क्या लगता है अगले साल विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी होने तो किसके यदि ये इन्होंने खट्टर साहब के नाम से, सीएम के नाम से जो प्रेजेंट उसके नाम से लड़ा इलेक्शन, तो इनको नुकसान होगा बीजेपी, हालांकि मैं वर्कर हूँ बीजेपी का, नुकसान होगा। अच्छा, तो आप सीएम पद पे किसको देखना चाहते हैं हरियाणा में अगले? सीएम है कोई भी है इसको छोड़ के। अच्छा, विजय साहब को आ जाए कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, और कांग्रेस और बीजेपी को लेकर क्या बोलेंगे कि अगले साल किसको? नहीं उनका तो कोई कुछ नहीं, उनको नहीं मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिलने वाला, इसका इफेक्ट पड़ेगा बेटा। ऐसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बिल्कुल पड़ेगा। मध्य प्रदेश में इतना होने के बाद भी राजस्थान में इन्होंने खूब लगाया, मैं ये देंगे हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे वो दे, फिर भी लोगों पर प्रभावित नहीं हुए। फ्री में लोग नहीं चाहते अभी, अभी वो कमाई खाना चाहते, उनको रोज़गार चाहिएगा, रोज़गार में मानता हूँ कुछ नहीं बनी बात, हो जाएगा ऐसा, प्राइवेट हो रहा है, आएंगे इंडस्ट्री वगैरह तो काम बढ़ेगा। ये भी बीजेपी के लिए अगर आप सीएम पद चाहेंगे तो किसको देना चाहेंगे अगले साल कि वो बने सीएम हरियाणा के? नहीं इसमें बताना, इनको छोड़ के किसी को भी पार्टी बढ़ाए हमें मंजूर, मान दे ये खट्टर साहब को। अच्छा, क्योंकि ये अभी काम इतने हुए नहीं, इतने कामयाब हुए नहीं, ठीक है इन्होंने कोशिश की है, वो फैसले मतलब एट द स्पॉट जैसे फैसले योगी साहब लेते हैं या कोई दूसरे लेते हैं, वो नहीं लेता। ये हम इससे इसको लेके हम कमेरेंज करें तो विज साहब ठीक है, इससे जो होम मिनिस्टर। आपका नाम? अशोक। अशोक जी, जैसा कि कल आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा कि 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कि राजस्थान, तीनों में बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की, ठीक है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे हरियाणा में क्या रहने वाला है? इन तीनों की जीत का असर कुछ होगा हरियाणा में भी? जीत का असर तो होगा, जीत का तो इफेक्ट पड़ता ही है, कोई भी चीज़ है, अगर हार जावे तो उसका उल्टा होता है और जीत जावे तो उसका है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी अगले साल? ये नहीं मैं कुछ कह सकती। अच्छा, नहीं इसके बारे में। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो कि हरियाणा में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने, उसमें आप सीएम के पद पर किसको देखना चाहेंगे? हुड्डा साहब तख्त ताज पर विराजेंगे या खट्टर जी अपना कमल का जन जो है पताका ले रहेंगे? देखो हमारे लिए तो दोनों बराबर है, जी जोन सा आ जाए वो ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है लेकिन एक आम नागरिक होने के हिसाब से कि इस बार किसका लग रहा है जोर कि अगले साल किसकी सरकार आने वाली है? कुछ नहीं कहा जा सकता जी, अब ये देखो अब क्या कौन सा हुआ, अब कौन सी आने वाली थी और कौन सी आई है देखो। अरुण जी, जैसा आपने सुना होगा, देखा ही होगा कि कल 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी जीत हासिल की है, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है क्या रुख रहेगा इन 3 जीतों का, 3 राज्यों में जो पूर्ण जीत? उसका असर अब आने वाला है, पहले थोड़ा डाउटफुल था लेकिन मे बी बीजेपी ही आए, बीजेपी ही आएगी हरियाणा में। क्या मतलब कैसे क्यों लग रहा है आपको कि हरियाणा में बीजेपी ही आएगी? ये जो रुझान है लोगों का, ऊपर की गवर्नमेंट के हिसाब से रुझान चेंज हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रुझान चेंज हो जाता है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आना भी चाहिए बीजेपी को। हरियाणा में आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या काम किया जिसकी वजह से वो जीत हासिल कर पाएगी? सब काम ठीक ही कर रही है जी, बाकी स्पेशली बोल के तो कुछ नहीं, सड़कों का है, एनवायरनमेंट का है, सब किया उन्होंने।
आप सेटिस्फाई हैं? ठीक है जी। अच्छा, सीएम के पद पर चाहे वो बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर आप किसको देखना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मैम, कोई भी आ जाए तो ये स्पेशली कोई चॉइस नहीं है। स्पेशली कोई चॉइस नहीं है, वो तो कोई भी सरकार आए कोई भी सीएम आए काम करने वाला आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है हुड्डा की हैट्रिक होगी या खट्टर साहब अपना बीजेपी का झंडा ले रहे थे वे सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? कुछ भी हो सकता है, पब्लिक के बारे में कोई भी जान नहीं। आपका नाम? विजय कुमार भूटानी। विजय जी, जैसा कि आपने देखा ही होगा सुना भी होगा कि कल तीन स्टेट में बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी जीत हासिल की है, उन तीन जीतों का, उन तीन राज्यों की जो जीत है उसका हरियाणा पर क्या असर पड़ने वाला है? हरियाणा पर उसका बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ेगा, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है वो बहुत ही अच्छी जीत है, इससे पूरा प्रदेश खुश है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत है, उसके लिए आने वाले टाइम में 2024 की जो भूमिका वो बन गई है, तो हमें ये लग रहा है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बीजेपी की दोबारा आएगी हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में, एमपी के इलेक्शन में, मेंबर पार्लियामेंट संसद में, तो 2024 में तो सरकार फिर मोदी जी की बनेगी, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं ना, मोदी जी जो गारंटी लेते हैं वो गारंटी पूरा करते हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा निभाया है। हरियाणा को लेकर क्या बोलेंगे? हरियाणा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर किसकी जीत आपको लगती है कि कौन सी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत से अपनी जीत हासिल करेगी? हमें तो उम्मीद ये है जी, जैसे यहाँ राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में भारी बहुमत जीत की है, इसी प्रकार हरियाणा में भी ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी हरियाणा में भी, और बीजेपी ही जीतेगी तो बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार है जिसको आप सीएम पद के दावेदार के रूप में देखना चाहेंगे? सीएम पद के लिए दावेदार जो है अपना ये जो है मनोहर लाल जी, इनके नेतृत्व में बीजेपी का आना थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर नेतृत्व चेंज हो जाता है डेफिनेटली ये सरकार आएगी। नेतृत्व चेंज, आपका कहने का मतलब ये है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बीजेपी का आना मुश्किल ही है, कठिन है। तो आप अगर बात करी जाए आपकी नज़रिए से, तो आप सीएम पद पर किसको देखना चाहेंगे हरियाणा में, अगला सीएम कौन होगा? जिस प्रकार मोदी योगी जी यूपी के अंदर आए हैं मोदी जी की तर्ज के ऊपर, अगर यहाँ बाबा बालकनाथ जी को या कोई स्टिक कैंडिडेट खड़ा किया जाए, बाबा बालकनाथ जी आ जाए तो बहुत ही अच्छी उसका रिजल्ट आएगा। अंगद जी आपका शुभ नाम? सतीश मोंगिया। सतीश जी, जैसा कि कल हाल ही में रिजल्ट देखे होंगे आपने विधानसभा चुनाव के, तीन स्टेट में बीजेपी अपनी जबरदस्त जीत हासिल की हुई है, तो उसी को लेकर अब हरियाणा में आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या फर्क पड़ेगा इन तीन जीतों से? हरियाणा में भी बीजेपी की आएगी ये देखते हुए। बीजेपी की आएगी, तो आप, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि हुड्डा की जीत होगी या खट्टरी वापस अपना परचम ले आएंगे जीत का? यहाँ सीएम कोई भी बने पर सरकार बीजेपी की होगी। सरकार बीजेपी की आएगी, आप किस भी आप पे बोल रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आएगी? बीजेपी की लहर है, पहले दो टर्म हो गए बीजेपी की बनते हुए। अच्छा, बीजेपी की बनेगी। अब राजस्थान में कह रहे थे कि बीजेपी की नहीं बनेगी कांग्रेस आएगी, पर वहाँ भी बीजेपी रिपीट हुई है, यहाँ भी बीजेपी आएगी। आपका नाम? मेरा नाम मनीष मोंगिया। मनीष जी, जैसा कि तीन स्टेट में हाँ जी बीजेपी ने अपना झंडा ले रहा है जीत का, तो उसे लेकर आप हरियाणा में क्या लगता है आपको, हरियाणा में क्या हवा रहने वाली है? देखो ये है कि जहाँ जो काम करेगा ना उसकी सरकार आएगी, ऐसा नहीं है कि भाई तीन जगह बीजेपी आ गई तो यहाँ पे बीजेपी आएगी, तो खट्टर सरकार को ये देखना चाहिए उन्होंने हरियाणा में क्या किया है, और बाकी जनता तो देखो फैसला करेगी, है ना। तो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि एक जगह बीजेपी आई है तो दूसरी जगह भी बीजेपी आएगी, तो हर सरकार को जो है अपना काम करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसकी सरकार बनेगी। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जैसे कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो इसको लेकर कि मतलब कांग्रेस यानी कि हुड्डा तक तो ताज पर बैठेंगे या वापस खट्टर ही अपनी हैट्रिक जमाएंगे? देखो ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है कि हुड्डा वापस आएंगे, और हो सकता है कांग्रेस के तरफ से जो है सीएम उम्मीदवार जो है वो चेंज भी हो सकता है ना, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से तो ये कहना मुश्किल है। बाकी जैसा मैंने पहले कहा है तो ना मैं जी मोदी भक्त हूँ और ना मैं मोदी विरोधी हूँ, ठीक है, अपना तो ये है कि जो काम जो सही कर रहा है वो सही बोलो, जो काम जो गलत कर रहा है वो गलत बोलो, है ना। सबसे किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए हरियाणा में? नहीं नहीं, जो काम बढ़िया करे, देखो रोहतक के हिसाब से देखे तो जो सीएम हुड्डा के टाइम जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, वो अभी टू बी वेरी फ्रैंक खट्टर के टाइम देखने को नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने हाँ मतलब अगर मैं जाऊं तो ग्राउंड लेवल पे जो वो काम कर रहे हैं और उसका जो है वो आंकलन ले रहे हैं कि नहीं जी
10 साल बाद 15 साल बाद चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो पब्लिक जो है उसको रिजल्ट कुछ तो चाहिए ना। तो अब ये तो जनता के हाथ में है, अब मैं यहाँ पे अपना वोट तो डिस्क्लोज करूँगा नहीं कि मैं किसको दूंगा, लेकिन ये तो जनता के हाथ में है कि किसको मतलब तख्त व ताज पे बिठाएंगे। बाकी काम होगा तभी सरकार आएगी, ऐसे नहीं है कि लहर है तो सरकार आ जाएगी। मतलब ये है कि जहाँ काम होगा, जहाँ दुनिया को दिखेगा, जहाँ बिल्कुल 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 जिस बंदे में दम है वोट वहीं जाएगा। एग्जैक्टली, काम के ऊपर, पार्टी का दम अलग है, काम मतलब काम से ही दम दिखता है। तो काम करेंगे तो आएंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। मैम आपका नाम? निर्मला मोंगिया। मोंगिया जी, आपने देखा ही होगा कल रिजल्ट आए, 3 स्टेट्स यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो क्या लगता है आपको हरियाणा में क्या लहर मतलब इनको लेकर जो जीत हुई है 3 स्टेट में, हरियाणा में क्या हवा रहेगी? हवा हरियाणा में यही है, जो काम करेगा वही बनेगा। हुड्डा ने भी काम किए थे लेकिन कांग्रेस की वजह से हार गए, लेकिन काम के में कमी नहीं है, हुड्डा में भी कमी नहीं है और खट्टर में भी कमी नहीं है। अब इस टाइम रिजल्ट वही आएगा जो काम करेगा, पार्टी वही बनेगी, लहर की बात नहीं है। मेरा सेम क्वेश्चन है उसका भी, काम मोदी का भी है, काम बीजेपी का भी है, लेकिन काम अपने टाइम में हुड्डा ने भी यहाँ रोहतक में खूब कराया, उसने हरियाणा सरकार का खूब कराया उसने। सीएम के तख्त पर आप किसको विराजते हुए देखना चाहेंगे, हुड्डा जी को या खट्टर जी? वो तो जनता फैसला करेगी। तो जनता में आप भी शामिल है? हाँ, जनता में मेरा जो वोट होगा तो वो काम के ऊपर होगा। हाँ, काम के ऊपर होगा, मतलब इसका 3 स्टेट में जो जीत है उसका फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है काम के ऊपर, जो काम करेगा वही होगा। मेरा पंकज कपूर। पंकज जी, जैसा कि कल आपने देखा होगा कि 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम ले रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उसे लेकर अब हवा, हरियाणा की जो हवा है वो क्या, मतलब आपको रुख क्या लग रहा है कि हरियाणा में जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हरियाणा में क्या दिखता है आपको, क्या है? हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा में बिल्कुल बहुमत से सरकार आएगी। किसकी? और कांग्रेस की सरकार आएगी, और मैं कांग्रेस का खुद वाइस चेयरमैन हूँ, कामगार कांग्रेस का, और 101% कांग्रेस ही आएगी हरियाणा में, इसका कोई बदलाव नहीं हो सकता। सीएम के तख्त पर आप हुड्डा जी को देखना चाहेंगे या बीजेपी का झंडा ले रहते हुए खट्टर जी को? जो भी पार्टी हाईकमान आदेश करेगी उसी आदेश के हिसाब से सीएम तय होगा। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का परचम ले रहेगा हरियाणा में, वो किस भी आप बोलना चाहते हैं, क्या मतलब ऐसा रहेगा कि कांग्रेस को बहुमत? क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर है, महंगाई इतनी चरम पर है, ये जो अंधभगत है वो अंधभगत के कारण ये जो बीजेपी आगे आ रही है, ये अंधभगत है और कुछ नहीं है। मतलब जो 3 स्टेट में जो बीजेपी जीती है वो उसके लिए आप क्या क्या देखा, मतलब क्या बताना चाहेंगे कि किस वजह से बीजेपी ने अपनी जीत हासिल करी है? देखो, वो तो सबको पता है कि ये कैसे जीतते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। इनका जहाँ पर वो देखता है कि ये तो इनका सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में ये लोग दिखाना चाहते थे कि हम लोग आगे, हमने मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव है, उस चुनाव को कैसे दर्ज माना, इन्होंने क्या कुछ किया है, ये तो इनका दिल ही जानता है। अच्छा, आपका नाम? पंकज। जैसा कि आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा ही होगा कि इलेक्शन थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसमें आप राजस्थान की बात करो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की, तीनों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है, ठीक है? तो इसे लेकर आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या हवा रहने वाली है? बीजेपी की आएगी, किस भी आप बोल रहे हैं आप? सब जगह यही है कि काफ़ी, जो एक तो जैसे लोग ये मान के चलो कि ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया, उसमें लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो गया, जगह जगह सीएससी सेंटर खुल गए, तो उससे भी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो गया, लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो डिफ़िकल्ट हो गई है, जो सब कुछ चेंज आया, बहुत बदलाव आया सारी चीज़ों में, तो उस सब चीज़ों के लिए सब ये मोदी साहब ने, खट्टर साहब ने तो करा है। तो आपको क्या लगता है हरियाणा की जनता क्यों बीजेपी को वोट देगी? बीजेपी को वोट इसलिए देगी क्योंकि लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं महंगाई की, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें ना नॉर्मल टाइम के अनुसार सब चीज़ें होती चली जा रही हैं, तो इस बिहाव पे मतलब कि थोड़ा कम भी है, ज़्यादा भी है, पहले सिलेंडर के रेट थोड़े ऊंचे थे, अब नीचे आ गए, तो सारी चीज़ें बहुत सब ऑनलाइन है, ऐसा नहीं है कहीं आप कहीं खड़े हो या आप कहीं फंसे हुए, कुछ है ऐसा नहीं है, मतलब जो डर जो है थोड़ा थोड़ा वो सब खत्म होता जा रहा है। जैसे किसी बंदे के पास अब ये ऑनलाइन सिस्टम है, पैसों का लेन देन है, सब ऑनलाइन है, लोग 200 से 300 500 हज़ार से ऊपर रखते ही नहीं है, पहले लोग जेबों में डाल के चला करते, तो खतरा ही था ना लोगों के लिए, अब ये इन सब चीज़ों के लिए खतरा नहीं है ना। हरियाणा में कांग्रेस और हुड्डा जी को लेकर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता किसी पार्टी में, ऐसे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता और मैं कभी कमेंट करूंगा भी नहीं। तो आपको लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो कांग्रेस की क्यों नहीं आएगी? नहीं, आ सकती है, अच्छी बात है, दोनों चुनाव दोनों पार्टी आपस में लड़े, अच्छी बात है हमारे लिए, तो कोई भी सरकार आए बट काम होना चाहिए। स्पेशलिटी आपने बीजेपी की तो बता दी,
कांग्रेस की स्पेशलिटी कुछ बताइए ना, आप कह रहे हैं कि दोनों की आ सकती है, तो कांग्रेस को किस भी आप वोटर्स वोट दें? नहीं, मैं तो कांग्रेस को दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं? अगर मैं मेरे वोट की बात करूँ तो मैं बीजेपी को भी दूंगा। नाम है आपका? नाम है जी रामफल। रामफल जी, रामफल जी आपको पता ही होगा कि कल बीजेपी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीती है विधानसभा चुनाव, तो उसको लेकर आप हरियाणा के जो लहर है उसको क्या बताएंगे कि मतलब हरियाणा में कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी का परचम ले रहा है या कांग्रेस का? नहीं, हम तो कांग्रेस से शुरू से ही है, शुरू से ही कांग्रेस से है। हमारे बाबा भी था, हमारा दादा भी था। वो तो है, लेकिन आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? हम तो अपने मन से कहते हैं, हमारा मन कहता है मैम 24 ही है, हम तो कांग्रेस को देते हैं। नहीं, आप तो देते हो वो बात अलग है, लेकिन आपको क्या लगता है हरियाणा में अगले साल किसकी सरकार आएगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? कांग्रेस की आएगी जी, हमारे लिए कांग्रेस की आएगी। हाँ जी। कांग्रेस को वोटर्स मतलब क्या देख कर वोट देंगे, कुछ बताएंगे? ये है जी, उसने अच्छे काम करे, अच्छे नौकरी लुवाए सब, समझे? आपको लेकर कुछ बताएंगे बीजेपी ने क्या ऐसा नहीं किया जिसको आप नहीं चाहते कि बीजेपी आगे सरकार आए? देखो, बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं किया अभी तक। उदाहरण बताइए। उदाहरण ना तो हमारा राशन कार्ड था वो भी कटवा दिया। हाँ जी, ऐसा ही काम करता है। राशन कार्ड कटवा दिया आप? हाँ जी। आपने पूछा नहीं कि क्यों ऐसा हुआ? मेरे कई एप्लीकेशन लगाई है, कई उसमें कोई गौर ही नहीं करता। मतलब खट्टर सरकार के कार्यकाल में आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। आपका राशन कार्ड कटवा दिया? आप चाहेंगे अगले साल? अगले चालिए हम तो कांग्रेस को जाएंगे। हम तो। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, जैसा कि आपको भी पता होगा कि कल 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना परचम ले रहा है जीत का विधानसभा चुनाव में, इसी को लेकर हरियाणा में आपको क्या लहर दिखती है? हरियाणा में कांग्रेस की लहर दिखती है। कांग्रेस की लहर दिखती है। अगले साल जैसे कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी होने, तो सीएम के तख्त पर आप किसको देखना चाहेंगे, हुड्डा जी को या खट्टर जी को परचम ले रहा था देखना? हुड्डा जी को। हुड्डा जी को। तो हुड्डा जी को मतलब क्या आपको लगता है कि हुड्डा जी कैसे जीत हासिल करेंगे, कुछ बता सकते हैं? ऐसा है कि बीजेपी का तो 10 साल हमने यहाँ राज देख लिया, रोजगार है नहीं, रोजगार बहुत कम है, और कांग्रेस में हुड्डा सरकार में रोजगार अच्छा मिल गया था बच्चों को, बच्चों की बेरोजगारी का देखते हुए, तो ये कांग्रेस का। तो मतलब इन 3 राज्यों का हरियाणा पे आपको लगता है कोई असर नहीं होने वाला है? ना, नहीं, नहीं। अब ये जैसे राजस्थान में हर योजना बदलती रहती है, 5 साल एक सरकार चलती है, तो यहाँ 10 साल चल गए बहुत है। अच्छा। तो मतलब आप नया परिवर्तन देखना चाहते हैं? नया परिवर्तन।